Students. I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JDP Government, Girls College Kota. Today we will study about platyhelminthus. In this first part, we will study about the general characters of phylum platyhelminthus and about, the, about its outline classification. We'll deal with it. So, फाइलम प्लेटी हेलमेंथस जो है प्लेटी हेलमेंथस नाम एक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसमें कि प्लेटिस का मतलब होता है फ्लैट यानी चपटा और हेलमेंस का मतलब होता है वर्म यानी क्रमी ये जो टर्म है प्लेटी हेलमेंथस सबसे पहले गगनबोर ने 1859 में प्रपोज किया था जो चपटे क्रमी थे उनके लिए ये नाम प्रपोज किया गया उनके द्वारा इसके प्लाटी हेलमेंटिस के यदि हम सामान्य लक्षणों की बात करें तो ये फ्री लिविंग होते हैं कमेंसल होते हैं या ये पैरासिटिक फॉर्म्स के रूप में देखे जा सकते हैं यानी कि ये स्वतंत्र जीवी होते हैं सहभोजी हो सकते हैं या परजीवी प्राणी के रूप में ये पाए जाते हैं इनके अंदर टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज़ बॉडी सेल्स एग्रीगेट इन टू डेफिनेट टिश्यूज एंड टिश्यूज मेकअप ऑर्गन्स मतलब उत्तक अंग कोटी का इनके अंदर संगठन पाया जाता है और जो शरीर की जो कोशिकाएँ हैं ये मिलकर निश्चित उत्तक बनाती हैं और उत्तक अंगों को बनाते हैं ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और यानी कि जो बॉडी है इट इज़ डिराइव फ्रॉम थ्री एम्ब्रियनिक जर्मलेस एक्टोडर्म मीजोडम एंड एंडोडर्म ये त्रिकोरेकीय होते हैं अर्थात तीन भ्रूणीय जनन स्तर स्तरों एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म से शरीर आ, की व्यक्त की डिराइव होता है उत्पत्ति होती है देन दे आर बायोलैट्रली सिमेट्रिकल यानी कि इनके अंदर द्विपार्ट सम्मिति पाई जाती है दे आर डॉटो वेंट्रली फ्लैट यूजअली विथ अ वेल डिफाइंड वेंट्रल सर्फेस बियरिंग माउथ एंड गोनोपोर यानी ये पृष्ठधारी रूप से चपटे शरीर के होते हैं और इनमें जो है प्राय सुनिश्चित अधर सतह पर मुख और गोनोपोर पाया जाता है बॉडी अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट इन क्लास सेस्टोडा यानी सेस्टोडा वर्ग को छोड़कर शेष सबका शरीर खंडविहीन होता है ए सिलोमेट दैट इज विदाउट एनी बॉडी कैविटी ये अगुह की होते हैं अर्थात शरीर गुहिका का अभाव होता है इनमें जो स्पेसिस हैं बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स दे आर फिल्ड विथ स्पेशल मीजोडर्मल टिश्यू द मीजनकाइम और पैरनकाइमा यानि विभिन्न अंगों के बीच की जो के जो खाली स्थान होते हैं वो विशेष टिश्यू जैसे कि मीजन काइम या पैरनकाइमा द्वारा भरा हुआ होता है नेक्स्ट है एडेसिव स्ट्रक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पैरासिटिक फॉर्म्स ये जो पॉइंट है एडेसिव स्ट्रक्चर्स लाइक होक्स पाइन्स एंड सकर्स एंड एडेसिव सेक्रेशं दे आर कॉमन इन पैरासिटिक फॉर्म्स जो परजीवी होते हैं उनके अंदर एडेसिव स्ट्रक्चर्स जैसे कि हुक हैं कंटक हैं चूचक हैं ये पाए जाते हैं एपिडामस जो है सेल्यूलर होता है और सेंसेशियल फ्रीकुंटली सीलिएटेड एबसेंट इन समझ के अंदर एपिडामस का अभाव भी होता है जो मस्कुलर सिस्टम है दैट इज़ ऑफ मीजोटॉमल ओरिजिन यानी कि जो पेशी तंत्र है वो मध्य चर्मी उत्पत्ति होती है का होता है डाइजेस्टिव सिस्टम इज ब्रांच्ड एंड इनकम्प्लीट विदाउट एनस ऑल टुगेदर एब्सेंट इन ए सीला एंड सेस्टोडा यानी जो पाचन तंत्र है ये आ, इसका सेस्टोडा और एसिला के अंदर तो पूर्णतः अभाव होता है और जहाँ की ये उपस्थित है ये जो है शाखित होता है और गुदाविहीन होता है स्केलेटल रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलर सिस्टम्स आर वांटिंग यानी जो कंकाल है श्वसन तंत्र और परिसंचारी तंत्रों का इसके अंदर अभाव होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम इनक्लूज लेट्रल कैनाल्स एंड प्रोटोनिफ्रीटिया दैट इज फ्लेम सेल्स दे आर एब्सेंट इन सम प्रिमेटिव फॉर्म्स कुछ प्रिमेटिव फॉर्म्स में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम एबसेंट होता है नर्वस सिस्टम जो है प्रिमेटिव प्रकार का होता है यानि आदिकालीन होता है लैडर लाइक यानि सीढ़ी की भांति का होता है इट कम्प्राइज अ पेयर ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया विथ लॉन्जीट्यूडनल नर्व कॉड्स कनेक्टेड बाई ट्रांसवर्स नर्व्स यानी सब आगे जो इंटीरियर एंड है उस पर एंटीरियर गैंगलिया पाए जाते हैं जिससे कि जुड़ी हुई एक लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉड होती हैं और साथ ही साथ ट्रांसवर्स नर्व्स इस लॉन्जिट्यूडनल कॉड से जुड़ी हुई होती हैं सेंस ऑर्गन सिंपल होते हैं आई स्पॉट्स और फोटो रिसेप्टर्स इन फ्री लिविंग फॉर्म्स जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं या संवेदी अंग ये सरल होते हैं और स्वतंत्र जीवी रूपों में नेत्रबिंदु और प्रकाशग्राही रूप में ये उपस्थित होते हैं मोस्टली मोनेशियस हार्मोफ्रोडाइट विथ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड गोनैट्स गोनोडक्ट्स एंड एसेसरी ऑर्गन्स ये जो है ये द्विलिंगी होते हैं और आ, साथ ही जो है इसके अंदर वेल डेवलप्ड गुनार्ज यानी जनन ग्रंथियां जो वाहिनियां हैं और सहायक जो अंग हैं वो सुविकसित होते हैं एक्स मोस्टली डिवॉइड ऑफ योग यानी पीतक जो है अधिकतर एक्स के अंदर अनुपस्थित होता है योग प्रोड्यूस सेपरेटली इन योग और विटलिन ग्लैंड्स तो जो पीतक ग्रंथियां हैं वो अलग से पीतक का निर्माण करती हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल मे बी क्रॉस और सेल्फ जो निषेचन है वो आंतरिक होता है और पर नििषेचन या स्वनिषेचन निषेचन हो सकता है जो डेवलपमेंट है या परिवर्धन है वो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है यूजुअली इनडायरेक्ट इन एंडोपैरासाइट्स विथ अ कॉम्प्लीकेटेड लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग मेनी लार्वी एंड होस्ट यानी अंतपरिजीवियों में प्राय कई परपोषितों को सम्मिलित करते हुए और जटिल जीवन वृत्ति के साथ अप्रत्यक्ष रूप का डेवलपमेंट पाया जाता है या परिवर्धन पाया जाता है तो ये बात हुई अपने सामान्य लक्षणों की फाइलम प्लेटी हेलमेट के अब हम पढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में तो ये फाइलम प्लेटी तीन क्लासेस या वर्गों में बटा हुआ है सबसे प्रथम है टर्बुलेरिया क्लास सेकंड है क्लास टर्मेटोडा एंड थर्ड इज़ क्लास सेस्टोडा जो क्लास टर्बुलेरिया है वो पांच ऑर्डर्स में विभाजित हैं सर्वप्रथम एसीला देन यू हैव रैप्टोसीला देन ए एलोसीला ट्राईक्लेडिडा एंड पॉलीक्लेडिडा इसी प्रकार से जो दूसरा वर्ग है या दूसरी क्लास है दैट इज क्लास ट्रिमाटोडा इसके अंतर्गत तीन ऑर्डर्स आते हैं मोनोजीनिया डाइजीनिया एंड एस्पिडोगेस्ट्रिया जो थर्ड क्लास है दैट इज क्लास सेस्टोडा इट हैज़ गॉट टू सब क्लासेस यानी इसके दो उपवर्ग हैं इस वर्ग के क्लास वर्ग सेस्टोडा के दो उपवर्ग पाए जाते हैं सबसे पहला है सेस्टोडेरिया और दूसरा है यूसेस्टोडा तो जो उपवर्ग सेस्टो, तो, सेस्टोडेरिया है उसके दो ऑर्डर्स हैं एम्फिलिनिटिया और गायरोडिया इसके बाद जो नेक्स्ट सब क्लास है या उपवर्ग है यूसेस्टोडा इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं ग्यारह ऑर्डर्स इसमें उपस्थित हैं तो द फर्स्ट ऑर्डर इज प्रोटोसिफेलीडिया सेकेंड ट्रेट्राफाइलीडिया थर्ड डिस्क सॉरी इट इज़ डिस्क्यूलीपिटीडिया

बोथ्रोइिया तो so, इस प्रकार से इसके अंदर 11 ऑर्डर्स उपस्थित हैं आज हम सबसे पहला जो क्लास है दैट इज क्लास टर्बुलेरिया, इसके बारे में पढ़ेंगे क्लास टर्बुलेरिया एक लैटिन शब्द है जिसके अंदर टर्बिला का मतलब होता है स्टेरिंग यानी डोरी स्ट्रिंग राधा यानी कि डोरी यूजुअली नॉन पैरासिटिक फ्री लिविंग वर्म्स आर कॉल्ड प्लेनेरियंस ये जो टर्बलेरियन्स हैं ये आ, स्वभोजी होते हैं और स्वतंत्र जीवी होते हैं और इन्हें प्लेनेरियंस के नाम से जाना जाता है दिन में भी टेरेस्ट्रियल मैराइन और फ्रेश वाटर स्थलीय हो सकते हैं समुद्री वासी हो सकते हैं या अलवनीय जलीय हो सकते हैं में पाए जा सकते हैं बॉडी अनसेगमेंटेड फ्लैट एंड कवर्ड विथ सीलेटेड सेल्युलर और सेंसेशनल एपिडामिस कंटेनिंग म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स और रॉड शेप्ड बॉडीज कॉल रेप्टाइड्स जो शरीर है वो खंडविहीन होता है चपटा होता है पक्षमाभी होता है कोशिकीय या बहुकेंद्र की एपिडामस से ढका और जिसमें जो स्त्रवणकारी कोशिकाएँ हैं वो जो है रेप्टाइट्स होती हैं उनको रेप्टाइट्स Uh, 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 कहा जाता है जो माउथ है वो वेंट्रल होता है और इंटेस्टाइन जो है इट इज प्रिसडेड बाय मस्कुलर फेरिंग्स यानी मुख जो है अधरीय होता है और आंत्र से पहले ग्रसनी उपस्थित होती है इनमें सकर्स एब्सेंट होते हैं चूषकों का अभाव होता है और uh, जो है टैंगो कीमो एंड फोटोरिसेप्टर्स आर कॉमन इन फ्री लिविंग फॉर्म्स तो जो मुक्त जीवी रूप हैं उनके अंदर स्पर्श रसायन और प्रकाश प्रकाशग्राही जो रिसेप्टर्स हैं वो पाए जाते हैं मोस्टली हार्मोफ्रेडिटिक सम रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली डेवलपमेंट इज यूजली डायरेक्ट अधिकतर जो है ये उभयलिंगी होते हैं कुछ अलैंगिक जनन भी करते हैं और परिवर्धन जो है ज़्यादातर प्रत्यक्ष रूप का होता है इनमें इसके अंदर जो सबसे पहले ऑर्डर के बारे में हम पढ़ेंगे वो है ए सीला ए सीला के अंतर्गत माइन्यूट एक्सक्लूसिवली मेराइन और लेस देन टू मिलीमीटर इन साइज के एनिमल्स आते हैं इनका जो माउथ है वो वेंट्रल होता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का ये जो फैरिंग्स है इट इज़ नॉट मस्कुलर एंड विदाउट इंटस्टाइन यानी कि इसके अंदर जो मुख है वो अधरीय होता है पेशीय ग्रसनी और तथा आंत्र का अभाव होता है जो फ्लेम सेल्स हैं डेफिनेट गोनाइट्स गोनोडक्ट्स एंड यूक्लैंड इनका भी अभाव होता है दे आर वॉन्टिंग मोस्टली फ्री लिविंग फाउंड अंडर स्टोन्स एल्गे और ऑन बॉटम मार्ट सम dwell इन इंटेस्टाइन ऑफ सी अर्जिंस एंड सी कोकुम्बस यानी अधिकतर ये मुक्त जीवी होते हैं पत्थरों शैवालों और तल में जो कीचड़ होता है वहाँ पर इनका ज़्यादातर वास होता है कुछ जो है सी अर्चिन और सी कुकुम्बर की आतों में भी वास करते हैं एग्ज़ाम्पल है कॉन्वोल्यूटा, जिसका कि आप चित्र देख सकते हैं एम्फिसकोलप्स एक्टोकोटेल, एफ्रॉन्टा ये इसके एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर रेबडोसीला इसके अंदर भी जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो स्मॉल होते हैं दे आर यूजुअली लेस देन थ्री मिलीमीटर सिंपल फैरिंग्स एंड सैक लाइक इंटेस्टाइन ग्रसनी जो है वो सरल होती है और कोश तुल्य आँत होती है प्रोटोनेफ्रीडियल एक्सक्रेटरी सिस्टम आद्यवृक का उत्सर्जित तंत्र पाया जाता है इनके अंदर वन और टू गोनाइट्स एक या दो जनन ग्रंथियाँ होती हैं और जो योग ग्लैंस या पीतक ग्रंथियां हैं वो उपस्थित हो सकती हैं या उनका अभाव हो सकता है ये ज़्यादातर समुद्रीवासी यानी मेराइन फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं समुद्रीवासी अलवणीय है या स्थलीय हो सकते हैं अलवण जलीय हो सकते हैं या स्थलीय हो सकते हैं मुक्त जीवी हो सकते हैं सहभोजी हो सकते हैं या परजीवी हो सकते हैं दैट इज फ्री लिविंग कमेंसल और पैरासिटिक फॉर्म्स दे मे एग्जिस्ट इन एनी वन ऑफ देम इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टीनोसोम स्टोमम माइक्रोस्टोम एक्टिनोडक्टाइलेटा कैटिन्यूला माइक्रोस्टोम एंड मीजोस्टोमा तो जो आप इसका एग्जाम्पल का डायग्रम है माइक्रोस्टोम का वो आप देख सकते हैं भली भांति लेबल डाइग्रम यह है और ये किस तरीके से दिखाई देता है माइक्रोस्टोम दैन यू हैव ऑर्डर एलोसीला एलोसीला में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मॉडरेट साइज़ के होते हैं बिटवीन वन एंड टेन मिलीमीटर इन साइज फैरिंगस जो है सिंपल होता है बल्बस होता है इंटस्टाइन इट कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच जो प्रोटोन एफ्रीडिया हैं वो पेड हो सकते हैं और होते हैं और दे आर यूजली ब्रांच्ड जो टेस्टिस हैं दे आर न्यूमरस पेनेसपैपला मोस्टली ब्रेजेंट ज़्यादातर मेराइन होते हैं कॉमन इन लिटोरल सैंड एंड मट आर फ्रेश वाटर अधिकतर जो है ये समुद्रीवासी होते हैं जो वेला आ, पवर्ती जो रेत है या मिट्टी उसके अंदर सामान्यतः ये पाए जाते हैं कुछ लवणीय जल में भी पाए जा सकते हैं इसका एग्जाम्पल प्रोरिंकस इसका आप चित्र देख सकते हैं Uh, किस प्रकार से दिखाई देता है प्रोरिंकस दूसरे एग्जाम्पल्स हैं प्लेक्योस्टोम एंड जियोसेंट्रोफोरा नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है ट्राई क्लैडिडा के अंतर्गत जो जंतु आते हैं वो दो से लेकर साठ सेंटीमीटर के बीच में इनकी लंबाई हो सकती है माउथ विंट मिड वेंट्रल होता है फैरिंग प्लिकेट एंड इंटस्टाइन विथ थ्री ब्रांचेज ईच विथ मेनी डाइवर्टिकुलर यानी मुख जो है मध्य अधर ग्रसनी वली वलकीय प्लिकेट्स जो है एवं त्रिशाखित प्रवर्धित आँत होती है इनके अंदर जो प्रोटोनेफ्रीडिया हैं दे आर एज लैटरल लेटरल नेटवर्क्स विथ मेनी नेफ्रोडियो पोर्स Uh, यानी जो आति वृक है ये पार्श्व जालिका की भांति बहुत से व्रक कधर कघर इसके अंदर उपस्थित यानी नेफ्रिडियोपोर्स उपस्थित होते हैं नेफ्रिडिया के अंदर टेस्टिस न्यूमरस ओवरीज टू जो क्लैंस में भी प्रेजेंट असंख्य वृषण दो अंडाशय और पीतक ग्रंथियां विद्यमान होती हैं ये मेराइन हो सकते हैं फ्रेश वाटर हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं इसका बहुत कॉमन uh, एग्जाम्पल है ड्यूगेसिया जिसका कि आप चित्र देख सकते हैं डेलोरा जियोपलाना बाईपेलियम एंड यू नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर पॉलीक्लाडिडा विच इज़ लास्ट ऑर्डर ऑफ क्लास टर्बिल इसके अंदर जो जंतु पाए जाते हैं ये मॉडरेट साइज के होते हैं दो से ट्वेंटी मिलीमीटर mm तक के बीस मिलीमीटर mm तक के इनका परिमाण होता है फेरिंग्स प्लिकेट होता है इंटेस्टाइन हाईली ब्रांश ब्रांच होती है आंत्र जो है अति शाखित होती है गोनाट्स मेनी स्कैटर्ड जो जनन ग्रंथियां हैं वो इधर उधर बिखरी होती हैं और अनेक होती हैं योग क्लैंड एब्सेंट पीतक ग्रंथियों का अभाव होता है मेल एंड फीमेल गोनोपोर्स सेपरेट जो गोनोपोर्स हैं मेल और फीमेल वो सेपरेट होते हैं मैराइन मैनी बॉटम ड्वेलर्स इन लिटोरल जोन तो ये ज़्यादातर जो है समुद्री वासी होते हैं और आ, नीचे के आ, तली क्षेत्र में पाए जाने वाले लिटोरल जोन में पाए जाने वाले जीव होते हैं ये इसका एग्जाम्पल है लेप्टो जिसका कि आप चित्र देख सकते हैं देन यू हैव नोटोप्लाना सेस्टोप्लाना प्लानोसेरा एंड एंडसानोजून सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डर पॉलीक्लैटिटा सो गो थ्रू दिस लेक्चर वंस अगेन स्टूडेंट्स The uh, classification is very important. So, go through it uh, properly. Thank you.